पश्चिम बंगाल में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बांकुरा जिला अदालत सुनहरा मौका लेकर आया है। जी हाँ, अदालत ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कई पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह सुनहरा अवसर है। आधिकारिक नोटिफिकेशन में सारी जानकारी विस्तार से दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। इसमें पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरना है। न्यायिक प्रणाली की सेवा करने और समाज में योगदान देने का यह एक शानदार अवसर है। तो अगर आप एक स्थिर और सम्मानजनक करियर की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। बांकुरा जिला अदालत की इस भर्ती में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये पद अलग अलग स्किल सेट और शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं। क्लर्क, स्टेनोग्राफर और चपरासी जैसे पदों पर भर्तियां होनी हैं। हर पद की अदालत व्यवस्था में अपनी एक अलग जिम्मेदारी होती है। क्लर्क प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं, स्टेनोग्राफर अदालती कार्यवाही को लिखते हैं, चपरासी सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। पदों की विविधता यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न योग्यता वाले उम्मीदवारों को उपयुक्त पद मिल सके। आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे आपको प्रत्येक भूमिका की विशिष्ट आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिलेगी। आवेदन करने से पहले अपनी पसंद के पद के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों को ध्यान से देखें। हर पद के लिए कुछ खास जरूरतें होती हैं। इनमें शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शामिल है। कुछ पदों के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी हो सकता है। वहीं कुछ पदों के लिए विशिष्ट कौशल के साथ स्नातक की डिग्री की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए स्टेनोग्राफर के पद के लिए टाइपिंग स्पीड सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। आयु सीमा भी पद और श्रेणी के आधार पर अलग अलग होती है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों के लिए छूट दी गई है। ये सभी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दी गई है। सेक्शन 4, नेविगेटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। बांकुरा जिला अदालत में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र में व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरना होगा। सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। आवेदन पत्र को ध्यान से और सही सही भरें। अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। इनमें आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और जाति प्रमाण पत्र शामिल हो सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें। शुल्क राशि श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है। आवेदन पत्र और शुल्क रसीद की एक प्रति अपने पास जरूर रखें। ये आपके आवेदन के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। सेक्शन 5, रीपिंग द रिवॉर्ड्स, सैलरी एंड बेनिफिट्स। बांकुरा जिला अदालत में काम करने के कई फायदे हैं। एक स्थिर सरकारी नौकरी के अलावा आपको अच्छा वेतन भी मिलता है। वेतनमान पद के अनुसार अलग अलग होता है। ग्रुप सी के पदों पर आमतौर पर ग्रुप डी की तुलना में वेतनमान ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त आप विभिन्न भत्तों और लाभों के हकदार हैं। इनमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और चिकित्सा लाभ शामिल हैं। वेतन और लाभ इन पदों को और भी आकर्षक बनाते हैं। सरकारी नौकरी से जुड़ी नौकरी की सुरक्षा और सम्मान इसे और भी बेहतर बनाते हैं। यह एक स्थिर और संतोषजनक करियर बनाने का मौका है। सेक्शन 6, टाइम इज ऑफ द एसेंस, एप्लीकेशन डेडलाइन एंड फाइनल थॉट्स। बांकुरा जिला अदालत ने आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख तय कर दी है। सुनिश्चित करें कि आप आखिरी तारीख से पहले पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें। देर से किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी को दोबारा अच्छी तरह से जांच लें। कोई भी गलती आपके आवेदन को रद्द कर सकती है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ सब कुछ अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें। बांकुरा जिला अदालत में शामिल होने का यह एक सुनहरा अवसर है। चयन प्रक्रिया के लिए अच्छी तैयारी करें। इसमें आमतौर पर एक लिखित परीक्षा और एक इंटरव्यू होता है। आपके आवेदन के लिए शुभकामनाएं।